लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। यार 2014 से पहले की भारत की अगर हम तुलना करें तो 2014 से पहले का भारत डप्पू भारत, पिछलक्कू भारत, पीछे रहने वाला भारत, आज का भारत जहां समरस भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए आप अभी रूस यूक्रेन युद्ध होता है, रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे तो तिरंगा हाथ में लेके चल ही रहे थे, वहां दुनिया के ऐसे देश जो हमको अपना मित्र नहीं मानते हैं, पड़ोसी होकर भी पड़ोसी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वहां के बच्चे भी यूक्रेन से बाहर आने के लिए अपने हाथ में तिरंगा लेकर आ रहे थे, क्योंकि ये नया भारत है। भाइयों बहनों 8 सालों में नया भारत बना है, 8 सालों में भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ा है। कोई भी वैश्विक घटना होती है तो भारत की तरफ देखा जाता है। आप देखिए कि अभी कोरोना महामारी दुनिया के अंदर जब आई थी, भारत के अंदर आने वाली थी, आशंका व्यक्त कर रहे थे कि भारत के अंदर कोरोना महामारी आने वाली है, तो पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक है, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले है, हमारा WTO है, वो सारे के सारे लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार ये सोच रहा था कि जैसे ही भारत के अंदर कोरोना आएगा तो भारत का बुरा हाल हो जाएगा, भारत के लोग कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे, भारत की सरकार कैसे व्यवस्थित करेगी, कोरोना में भारत पूरी दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा भारत के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे त्योहार होते हैं, कोई उत्सव होते हैं, नामकरण संस्कार होता है, किसी का जन्मदिन का संस्कार होता है, ऐसे संस्कारों में भी 100-200 लोग जुटना सामान्य घटना होती है। ऐसे समय में मोदी जी के नेतृत्व में जहां कोरोना महामारी का कुशल तरीके से प्रबंधन किया गया, वहीं हमको याद होगा कि जब हम पोलियो की बात करते हैं, पोलियो की खुराक आने में 1.5 दशक बीत गया, पोलियो की खुराक नहीं आ पाई, लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि वैक्सीन लगता है 10 साल बाद आएगी कि 15 साल बाद आएगी। ऐसे समय में जहां मोदी जी ने रात दिन काम किया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काम किया और 1 साल भी नहीं बीता, 1 साल के अंदर एक नहीं 200 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम भारत की सरकार ने किया, वैज्ञानिकों ने किया। भाइयों बहनों ये नया भारत है। और इतना ही नहीं, जहां एक डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।